वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट वीक फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन हैं और इसके एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला यहाँ पर जो अपडेट है, भारत बांग्लादेश संयुक्त अभ्यास संप्रीति 9 मेघालय में आयोजित किया गया है और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भारत और बांग्लादेश के बीच ये होने वाला सैन्य अभ्यास जो है संप्रीति 9 का 9वां संस्करण है, जो कि मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा। अगला यहाँ पर है, हु यानी WHO ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है। यह घोषणा कोरोना वायरस के 18 अन्य देशों में फैलने के कारण की गई है। ठीक है, अब ये जो है, देखिए अब जो फैल गई है लगभग 31 देशों में ये फैल गया। जिस टाइम ये घोषणा की गई थी उस टाइम तक 18 देशों में फैला था, इसी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा की गई थी। ये वायरस जो है वो चीन के वुहान शहर में शुरुआत हुई थी, इसका पता लगा था और वहीं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है, गोवा में राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का अनावरण हुआ है, गोवा ने किया है। 2020 के राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण का आयोजन गोवा के पणजी में 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक होगा। ठीक है, यह आयोजन कब से कब तक होगा? 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक। और 2020 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर जो है इसका नाम क्या है? रूबी गुला कहते हैं, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल कहते हैं, या फिर अगर हिंदी में कहें तो कलगी बुलबुल। कलगी बुलबुल जो है वो गोवा का राजकीय पक्षी भी है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिए, अरविंद कृष्णा IBM के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बनाए गए हैं। अरविंद कृष्णा IBM के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। भारतीय मूल के हैं ये अरविंद कृष्णा, जिनको प्रसिद्ध IT कंपनी IBM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। इससे पहले जो है वजीर्निया रोमेटी इस पद पर लंबे समय से कार्यरत थी और इनके हटने के बाद जो है अरविंद कृष्णा को IBM का CEO बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब जीता है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। इस जीत के साथ ही नोवाक ने 8 खिताब जीतने वाले ऐसे तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, कुल मिलाकर अब तक ऐसा 8 खिताब इन्होंने जीत लिया है। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल खिताब यहीं पर अगर बात करें तो दोनों ही खिताब हुआ था, तो एक में पुरुष वाले में नोवाक जोकोविच ने जीता जो कि सर्बिया के हैं, और अमेरिका की सोफिया केनिन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट अपडेट है, बांग्लादेशी PM ने जो एकुशे पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। ठीक है, एकुशे पुस्तक मेले का उद्घाटन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किया है, जिसको एक्सी कहते हैं। एक्सी पुस्तक मेला जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में इसका उद्घाटन किया। इस मेले का आयोजन बांग्ला अकादमी परिसर में किया गया है। प्रत्येक वर्ष इस मेले का आयोजन भाषा आंदोलन में सहयोग देने वाले शहीदों की स्मृति में यानी याद में किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश सबसे अव्वल रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में कौन सा राज्य अव्वल रहा? मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान हासिल किया है, नंबर 1 स्थान मिला है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी और प्रधान सचिव अनुपम राजन को पुरस्कार प्रदान किया। इसके बाद अगला अपडेट है, यहाँ पर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड इनिशिएटिव सर्वेक्षण में श्रीलंका प्रथम स्थान पर पहुँचा। हाल ही में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में श्रीलंका ने पहला स्थान हासिल किया है। यह सर्वेक्षण स्तनपान समर्थित नीतियों और कार्यक्रम यानी ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम पर आयोजित किया गया था। इसमें टोटल 97 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
इस दिन को मनाने का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना, रोकथाम, उसके बाद पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करना। विश्व कैंसर दिवस के लिए 2019, 20 और 21 तीनों वर्ष के लिए जो थीम है वो निर्धारित थीम है, आई एम एंड आई विल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर है, मालदीव राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला 54वां सदस्य बना है। ठीक है, तो 54वां सदस्य बन गया है मालदीव। यहाँ पर याद रख देखिएगा, 2018 में इसने जो है आवेदन किया था अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रमंडल में शामिल होने के लिए, और इसको 2020 में जो है 54वां सदस्य बना दिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है? पैट्रिका स्कॉटलैंड। अगला यहाँ पर जो अपडेट है वो है सीबीआईसी, जिसको कहेंगे हम लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसके नए अध्यक्ष बने हैं एम अजीत कुमार, ये होंगे। इनको बनाया गया, नियुक्त किया गया है, अभी इन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया है। केंद्र सरकार ने एम अजीत कुमार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईटीसी, इसके लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान ने टिड्डियों के संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश में चल रहे टिड्डियों के संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की घोषणा की। और इसके बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बड़े पैमाने पर फसलों को नष्ट करने वाले जो टिड्डे हैं उनकी समस्या के कारण यह फैसला लिया गया है। अगला अपडेट है, मोहम्मद तौफीक अलावी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इराक के राष्ट्रपति बरहम साले हैं जिन्होंने मोहम्मद तौफीक अलावी को इराक का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इससे पहले आदिल अब्दुल महदी इराक के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इनके इस्तीफे के बाद अब यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद तौफीक अलावी। अगला यहाँ पर अपडेट है, वहीदा रहमान को मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है यानी किया जाएगा। प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पुरस्कार में 2 लाख रुपये नकद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। याद रखना है, 2018 के लिए दिया जाएगा वहीदा रहमान को मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला यहाँ पर है अपडेट, विनोद शुक्ल की पुस्तक को मिला पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार। हिंदी कवि और उपन्यासकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। इनकी अनुदित पुस्तक है ब्लू इज लाइक ब्लू, ये याद रखिएगा, ब्लू इज लाइक ब्लू। इसी के लिए इनको पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा और सारा राय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, शक्तिकांत दास चुने गए एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर ऑफ द ईयर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर ऑफ द ईयर जो चुना गया है शक्तिकांत दास को। अगला यहाँ पर जो अपडेट इसी क्वेश्चन को लेकर है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मैगजीन द बैंकर ने एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के लिए नामित किया है। यह पुरस्कार बैंकिंग नियमों को सख्त करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने क्लासिकल स्वाइन फीवर का टीका विकसित किया है। आप सभी को इसके बारे में हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू बेस्ड भी ज़रूर देखिए। ये एक साप्ताहिक है जिसमें हम लोग वीकली करंट अफेयर्स डिटेल में देखते हैं, वन लाइनर साथ में उसका डिस्कशन। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने क्लासिकल स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए एक नया टीका विकसित किया है। पहले यह टीका इंग्लैंड से मंगाया जाता था जो कि खरगोश की स्प्लीन से बनाया जाता है। क्लासिकल स्वाइन फीवर जो है वो सुअरों में होने वाली एक बीमारी है। अगला अपडेट है, भूटान ने भारत के पर्यटकों की फ्री एंट्री जो है उसको ख़त्म किया है। किस देश ने किया है? भूटान ने। भूटान ने सतत विकास टैक्स इस नाम से एक विधेयक पारित किया है जिसकी वजह से अब भारतीयों के लिए फ्री एंट्री जो है भूटान के अंदर समाप्त हो गई है। अगला यहाँ पर अपडेट है, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट के नाम की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के नाम की घोषणा की है। यह ट्रस्ट मंदिर निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। मंदिर निर्माण के लिए 67.7 एकड़ की भूमि दी जाएगी। साथ ही में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन यूपी सरकार के द्वारा दी जाएगी जिसकी मंजूरी दे दी गई है।
अगला यहाँ पर अपडेट है, सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए नेपाल ने दर्ज कराया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सर्वाधिक ऊंचाई वाला ये फैशन शो है जिसके लिए नेपाल ने ये रिकॉर्ड दर्ज कराया है। यह आयोजन एवरेस्ट बेस कैंप के पास 5,340 मीटर की ऊंचाई पर आयोजित किया गया था। यह नेपाल के टूरिज्म बोर्ड के विजिट नेपाल ईयर 2020 अभियान का हिस्सा था। अगला यहाँ पर जो कोई अपडेट है, श्रीलंका ने 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया है। आपको बता दें श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धन कोट्टे है। नेक्स्ट अपडेट है, दीपा मलिक भारत की पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। इनको निर्विरोध चुना गया है। देखिए इनका संबंध भी आप याद रखें, दीपा मलिक जो है वो शॉटपुट, जेवलिन थ्रो और तैराकी से संबंध रखती हैं। अगला यहाँ पर अपडेट है, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति बनी हैं मो ओ ब्रायन। इनकी उम्र 60 वर्ष है। इन्होंने नाव से 3,000 मील की दूरी तय करके अटलांटिक महासागर को पार किया है। नेक्स्ट अपडेट है, अंतः प्रज्ञा मेला 2020 तेलंगाना में शुरू हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला है। तेलंगाना के राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी में इसको आयोजित किया गया है। इसकी जो वर्ष 2020 के लिए थीम है, ये थीम है स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। नेक्स्ट यहाँ पर है, काला घोड़ा कला महोत्सव जो कि 5 फरवरी को मुंबई में शुरू हुआ है। यह एक वार्षिक कला महोत्सव है जो 9 दिन तक चलता है। यह 21वां संस्करण है, आपको ये भी याद रखना है। अच्छा देखिए, जब ये महोत्सव की बात आई है तो आपको एक बात ये भी बता दें, आज 10 फरवरी को अनेकता में एकता को प्रदर्शित करने वाला एक अभियान भी भारत में लॉन्च किया गया है जो कि 18 दिनों तक चलेगा, और ये 18 दिन तक चलेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम से चलेगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है ये अभियान। ठीक है, इसी महीने की 28 तारीख तक चलेगा, 10 तारीख से स्टार्ट होगा, 28 तारीख तक चलेगा। ठीक है, अगला यहाँ पर जो अपडेट है ये है, डेफ एक्सपो 2020 का 11वां संस्करण लखनऊ में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री ने लखनऊ में डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का उद्घाटन किया। यह 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का जो मुख्य विषय है, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र। नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट है, के पराशरन को बनाया गया है राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष। आपको बताया हमने कि राम मंदिर के लिए एक नया ट्रस्ट बनाया गया है, तो उस ट्रस्ट के अध्यक्ष की घोषणा की गई है। अयोध्या के राम मंदिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट का जो नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष के पराशरन को बनाया गया के पराशरन। ठीक है, यह ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण और मंदिर से जुड़े किसी भी विषय के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। प्रमोद अग्रवाल को बनाया गया कोल इंडिया का अध्यक्ष। कोल इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार प्रमोद अग्रवाल ने ग्रहण किया है। उन्होंने अनिल कुमार झा का स्थान लिया है, यानी इससे पहले वहाँ के कोल इंडिया के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अनिल कुमार झा। नेक्स्ट यहाँ पर है, कैबिनेट के द्वारा नए पोर्ट वधावन को स्थापना को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र के दहानू शहर के पास एक नया पोर्ट वधावन को स्थापित किया जाएगा जिसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह नया पोर्ट लैंडलॉर्ड यानी भू स्वामित्व मॉडल के आधार पर स्थापित किया जाएगा। इसके बाद अगला अपडेट है, यहाँ पर 5 IIIT संस्थान को मिलेगा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा। IIIT यानी ट्रिपल IIT का जो संस्थान है, ऐसे 5 संस्थान हैं जिनको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिलेगा। यह दर्जा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 के तहत दिया जाएगा। ये 5 संस्थान आपको याद रखना है, भोपाल, रायचूर, भागलपुर, अगरतला और सूरत। ठीक है, यहाँ पर रायचूर है, रायपुर मत समझिएगा आप इसको। अगला यहाँ पर है, फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP ग्रोथ 5.6% रहने का अनुमान। फिच ने अपनी रेटिंग के हिसाब से भारत को अगले वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ जो है वो 5.6% रहने का अनुमान लगाया है। ये पूर्वानुमान सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में लगाए गए अनुमान से कम है। वर्तमान समय जो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GDP बताई गई थी वो 4.6% पर अनुमानित है। अगला यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस 6 फरवरी को मनाया गया। विश्व स्तर पर महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस जो है वो 6 फरवरी को हर एक वर्ष मनाया जाता है।
इसे पहली बार वर्ष 2003 में मनाया गया था और 2020 के लिए इसकी थीम क्या है, अनलिशिंग यूथ पावर। नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट है, यूनेस्को ने जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र दिया है। यूनेस्को के द्वारा जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र मिल गया है। इससे पहले घोषणा हुई थी कि जो है हेरिटेज सिटी कौन बनाया गया है भारत से, तो वो जयपुर, जिसको रिसेंटली बनाया गया था, और अब उसको प्रमाण पत्र दे दिया गया है। ठीक है, इसका प्रमाण पत्र जो है किसने दिया है ये भी आपको याद रखना है। यूनेस्को की महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले, इन्होंने जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र दिया है। जयपुर शहर की स्थापना साल 1727 में राजा जयसिंह ने की थी और जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर भी कहा जाता है। अगला अपडेट यहाँ पर है, प्रधानमंत्री ने आगामी 5 वर्ष में $5 बिलियन के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। तो इसमें आपको याद रखना है कि वर्ष 2014 में भारत का रक्षा उपकरण निर्यात जो था वो 2000 करोड़ रुपए का था। उसके बाद पिछले 2 वर्ष में इसको बढ़ा करके 17,000 रुपये तक किया गया, करोड़ रुपए तक। और अब प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में इसका जो लक्ष्य होगा वो $5 अरब रखा गया है। नेक्स्ट अपडेट है, अविश्वास प्रस्ताव में गिरी यूरोपीय समर्थित रोमानिया सरकार। रोमानिया सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर गई है। तो रोमानिया सरकार की जो ये सरकार थी ये 3 महीने तक ही चल पाई थी। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस आयोहनीस हैं। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट और यहाँ की मुद्रा है रोमानियाई लिव। अगला अपडेट है, हॉलीवुड अभिनेता किर्क डगलस का निधन हुआ है। हॉलीवुड अभिनेता किर्क डगलस का निधन हो गया, वे अमेरिका के थे। किर्क डगलस को वर्ष 1996 में ऑस्कर के मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, रूस के कच्चे तेल के लिए IOC ने किया पहला समझौता। रूस से कच्चे तेल लेने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वर्ष 2020 के लिए समझौता किया है, जिसमें 2 मिलियन मीट्रिक टन यूरल ग्रेड कच्चे तेल के आयात के लिए समझौता हुआ है। रूसी कंपनी का नाम रूसी रोसनेफ्ट है और भारतीय कंपनी की तरफ से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। इन दोनों ने समझौता किया है। भारत विश्व स्तर पर 83% तेल का आयात करता है। ठीक है, यानी भारत की अगर ज़रूरत 100% है तो इसको प्रतिशत में हम बताएं 83% जो है भारत वो तेल आयात करता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, इसको भी याद रखिएगा। डॉक्टर धर्मशक्तु को मिला अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने डॉक्टर NS धर्मशक्तु को व्यक्तिगत श्रेणी और कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को संस्थागत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की स्थापना गांधी स्मारक कुष्ठ फाउंडेशन के द्वारा 1950 ईस्वी में की गई थी। कर्नाटक सरकार ने जन सेवक योजना शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने, कर्नाटक ने, सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक योजना जन सेवक की शुरुआत की है। सेवा में वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र, स्वास्थ्य कार्ड और राशन कार्ड जैसी 53 अन्य सेवाएं भी शामिल हैं। अगला यहाँ पर अपडेट है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत जो है वो 40वें स्थान पर पहुँचा और अमेरिका जो है पहले स्थान पर है। देखिए, भारत की पिछले साल 2019 में रैंकिंग थी 36, इस बार 4 अंक फिसल करके भारत जो है वो 40 पर पहुँच गया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 40, और बौद्धिक संपदा परिवेश का इसमें आकलन किया जाता है 53 अर्थव्यवस्थाओं की। दुनिया के 53 अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा परिवेश का आकलन होता है। इस सूचकांक के अंदर 45 संकेतकों पर तैयार किया जाता है। GIPC ने इसको तैयार किया है। भारत 2019 में 36वें स्थान पर था और टॉप 5 देश आपको याद रखना है, जैसे कि पहला नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन, तीसरे पर स्वीडन, चौथे पर फ्रांस और 5वें पर जर्मनी। नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट है, क्रूड स्टील के उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर पहुँचा है। यानी क्रूड स्टील का जो दूसरा उत्पादक देश है वो भारत है। विश्व इस्पात संघ ने ये ताज़ा आंकड़े दिए हैं, जिसके अनुसार भारत ने जापान को पीछे कर दिया है और चीन के बाद कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया, भारत। टॉप 5 देश इसमें आपको याद रखना है क्रूड स्टील में, चीन पहले नंबर पर, दूसरे पर भारत, तीसरे पर जापान, चौथे पर अमेरिका और 5वें पर रूस। अगला यहाँ पर अपडेट है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये भी आप इसको याद रखिएगा।
अगला यहाँ जो अपडेट है, आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का संचालन करेगा। इसको याद रखना है आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 10 से 14 फरवरी 2020 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन करेगा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का विषय क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी MSMEs। यह 2016 से हर साल देश में आरबीआई के द्वारा मनाया जाता है। आरबीआई के 25वें गवर्नर के बारे में अभी आपको याद रखना है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट अपडेट है, नई दिल्ली में सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल लॉन्च किया गया है। सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल कहाँ पर लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के द्वारा किया गया है। अगला यहाँ पर है, पाँचवा भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ है। पाँचवें भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन की मेज़बानी लखनऊ ने की है। इस सम्मेलन में 100 से अधिक रूसी और 200 से अधिक भारतीय उद्योग जगत के नेता ने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो रहे 11वें डेफ एक्सपो यानी डिफेंस एक्सपो 2020 के मौके पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिए, हॉकी इंडिया और SAI मिलकर करेंगे हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर्स की स्थापना। कौन कौन मिलकर करेंगे? हॉकी इंडिया और SAI यानी भारतीय खेल प्राधिकरण, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को द्वारा मिल करके जो है ये हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है। ये कहाँ पर खोले जाएंगे? ये कुल ऐसी 7 जगह हैं जहाँ पर ये खोले जाएंगे। इन जगहों को आप याद रखिएगा, बेंगलुरु कर्नाटका, नई दिल्ली ओडिशा, भोपाल मध्य प्रदेश, इम्फाल मणिपुर, पुणे महाराष्ट्र और झारखंड। नेक्स्ट यहाँ पर है, 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो केरल के कोच्चि में शुरू हुआ है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो यानी IISS, इसका 22वां संस्करण केरल के कोच्चि में शुरू हुआ है। इस साल के सी फूड शो का विषय जो है ब्लू रिवॉल्यूशन, बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। इससे पहले IISS का 21वां संस्करण जो हुआ था वो 2018 में गोवा में आयोजित किया गया था, ठीक है। अच्छा, आज आपको एक और अपडेट है, अंडर 19 का विश्व कप जो है वो किसने जीता है? इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच ये फाइनल मैच हुआ था अंडर 19 का विश्व कप, जिसमें किसने ये जीता ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीकली वीडियो जो कि फर्स्ट वीक के लिए फरवरी का था। अगर आपको इस तरह की वीकली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी वीकली वीडियो हम लगातार आपके लिए उपलब्ध कराते रहें। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।